जहाँ भी भगवान श्री राम का कथा या भजन होता है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम प्रिय और महान भक्त हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हनुमान जी इस कलयुग में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, और क्या इस कलयुग के अंत से पहले भगवान कल्कि से हनुमान जी का मिलन हो पाएगा? तो हनुमान जी के इस स्वरूप को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। इन प्रश्नों के जवाब से पहले हमें हनुमान जी के उन शक्तियों के बारे में जानना जरूरी है जिसके वे स्वामी हैं। तो सर्वप्रथम शक्ति है गरिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर के वजन को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनके ऊपर किसी भी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उन्हें उठाना तो दूर की बात, उनके पूंछ को हजारों हाथी मिलकर भी उठा नहीं सकते। आप सबको याद होगा महाभारत में भीम जिसके पास हजारों हाथियों का बल था वो हनुमान जी की पूंछ तक नहीं हिला पाया था। तो दूसरा शक्ति है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने वजन को शून्य कर लेते हैं। इसका मतलब उनके शरीर में हल्का सा भी वजन नहीं होता। इस सिद्धि से कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें काबू नहीं कर सकती और ना ही उन पर कोई ग्रेविटी का असर था। और यही वो शक्ति है जिसकी वजह से हनुमान जी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ सकते थे। क्योंकि अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो लाइट की स्पीड तक जाने के लिए आपके शरीर का वेट जीरो होना होगा, जो कि हनुमान जी ही ऐसा कर सकते थे। तीसरा शक्ति है अनिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी खुद को इतना छोटा कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल भी उनके सामने पहाड़ जितना बड़ा दिखता है। आप सबको याद होगा रामायण में जब हनुमान जी माता सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचे थे तब उन्होंने खुद को एक चींटी जितना छोटा कर लिया था। चौथा शक्ति है महिमा। इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी अपने शरीर को मन चाहे जितना विशाल बना सकते थे, फिर इनके सामने पूरा ब्रह्मांड ही छोटा पड़ जाता। आपको याद होगा संजीवनी बूटी लाते वक्त हनुमान जी ने खुद को पहाड़ जितना बड़ा कर लिया था और फिर उस पहाड़ को अपने हाथों में उठा लिया था। पांचवी शक्ति है प्राप्ति। अगर ये सिद्धि किसी के पास हो तो वो मन चाहे चीज को पा सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हनुमान जी के पास भी ये सिद्धि थी और उन्हें मन चाहे चीज को पाने से कोई नहीं रोक सकता था। जैसे कि बचपन में उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था, लेकिन समय रहते इंद्रदेव के वज्र प्रहार से सूर्य देव को सृष्टि के कल्याण के लिए छोड़ दिया। छठा शक्ति है वशिष्ठवा। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये सिद्धि रावण के पास भी थी और इसी सिद्धि से नवग्रहों को छल से अपने वश में कर लिया था, और हनुमान जी ने रावण की इसी शक्ति का प्रभाव खत्म करके सभी नवग्रहों को उसकी शक्ति से मुक्त कर दिया था। सातवां शक्ति है ईशित्वा। ईशित्वा सिद्धि को इष्ट सिद्धि और ऐश्वर्य सिद्धि भी कहा जाता है। ये सिद्धि जिन देवताओं के पास होती है उन्हें ईश्वर समान स्वरूप प्राप्त होता है, और इसीलिए हनुमान जी अपने किसी भी भक्त के कष्ट को हर लेते हैं। लेकिन हनुमान जी क्यों इन शक्तियों को इस कलयुग में प्रयोग नहीं करते? ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग के आरंभ में ही हनुमान जी मनुष्य के इन दुष्कर्मों से विचलित हो गए थे, और तब भगवान शिव पुनः हनुमान जी को उनके लक्ष्य से अवगत कराया, जिसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम द्वारा दिए उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा दिया था। तो फिर इस कलयुग के अंत से पहले भगवान कल्कि से हनुमान जी का मिलन कैसे होगा? समय से पूर्व किसी भी कार्य को किया जाए तो उसके परिणाम या तो असफल होते हैं या फिर विनाशकारी होते हैं। इस कलयुग के अंत में भगवान कल्कि जब इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे, और तब श्री राम जी के दिए हुए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हनुमान जी के शक्तियों से जुड़े रोचक तथ्य। हनुमान जी के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।